बाय सर, बाय बाय बाय। चलो चलते हैं यार यहाँ से। हम जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर से मिलने। तो गिरी गया, अभी लाया था और ये दीवार को थोड़ा पेंट कर दिया, अच्छी नहीं लग रही थी ना ऐसे करता है। पता नहीं कोई मदर चोद बोल रहा था इधर पर एक मछली है वो काट। हाई कर सकते हो वहां से ऐसे कैमरे के आगे? नहीं, आवाज आ गई। हाँ, पीछे हमने कुछ ऐसे ना टूटे फूटे घर देखे, शायद वो कश्मीरी पंडित के होंगे। मुझे तभी अचानक से पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ यहाँ पर, बाजू पर जोर से पटाखा बजा, यहाँ फिर इधर फिर इस। So hi guys, good morning, welcome back to the channel. तो क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है बढ़िया होंगे सारे, मैं भी बढ़िया ही हूँ आज। और लास्ट डे हमारे कैंप का कल था, कल हमारी वो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, तो आज हमने जाना है वापस। आधे लोग कुछ कल चले गए थे और कुछ आज आ रहे, यार चीकड़ है, कीचड़ चीकड़ जो भी बोलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। अब समझ नहीं आ रहा है घर जाएं या श्रीनगर जाए, क्योंकि मौसम कल बारिश पड़ी तो लैंडस्लाइड आ सकता है। सिंथन वाला रास्ता तो बंद है और अब बचा ये वाला दूसरा वाला रास्ता, वहाँ से भी लैंडस्लाइड्स आते हैं और सारे लोग बोल रहे हैं कि आज रहने दो कल चले जाओ। अब समझ नहीं आ रहा है करेंगे करें तो करें क्या। कीर्ति बोल रहा है जाना ही जाना है, भानुवे बोल रहा है नहीं जाओ। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। तो चलो अब हाँ थोड़ी देर में देखते हैं क्या सीन बनता है, अभी यहाँ से हम निकलेंगे फिर बताते हैं। अभी हमारी सर्टिफिकेट्स हमें मिली नहीं है, तो उस्ताद ने बोला था पहले ही कि जब तुम अच्छे से मेरे को बिस्तरा साफ सुथरा करके दिखाओगे, अब हमारी चेकिंग होगी ऊपर बिस्तरे की, सबने साफ रखा होगा तो हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अभी, नहीं तो पहले तो कल ही देने वाले थे। लेकिन ऊपर आए हमारी हालत ख़राब, ऊपर हालत ख़राब करके रखी थी, तो फिर बाद में उस्ताद ने बोला नहीं मैं आया था सर्टिफिकेट देने लेकिन अब नहीं दूंगा। तो अब ऐसा सीन है कि अभी चेकिंग होगी ऊपर, तो फिर बाद में हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगी जो हमारी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो मिल जाएगी फिर निकलेंगे हम यहाँ से। और उस्ताद भी खाना खाने गए, तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। और बहुत सारे दोस्त बन गए कुछ हमारे यहाँ पर, चलो मैं मिलाता हूँ सबसे आपको। उस्ताद ने लगा लिया बैंड 15 इसके, चलो भाई। 4, 3, 2, 4, 5, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये हमारे उस्ताद, कंटिन्यू। यस सर, कोई बात नहीं सर। और अजीम ठीक हो? एक बात कर, दांत दिखा। नहीं, यह हमारी सारी पार्टी यहाँ पर। रविंद्र भैया थोड़े से दुख में है क्योंकि आज हम जा नहीं रहे। यारिश भाई शक्ल दिखाओ, और ये हमारे ताजिम भाई हाथ मिलाओ, और ये हमारे भानु भाई, अब आप नए से बन रहा है, और हमारे शर्मा जी हमसे सबसे सीनियर ये थे। 45 इयर्स की उम्र में इन्होंने सब कुछ किया भाई यहाँ पर, सब कुछ किया मतलब जो जो भाई सब कुछ जो जितनी एक्टिविटीज कराई वो सब इन्होंने की। और ये हमारे नहीं भैया जो कि आए थे शरीफ बनकर, गुंडे बनकर, चलो। और सर ने जो फोटो भेजे थे वो कहाँ है? अभी पहले मैं कर लूं पहले ये। हाँ ठीक है। ये हमारे कीर्ति दल्ले, ये दिखाया आपने ये? हाँ ये तो ये कोई नहीं, ये दिखा देंगे भाई, ये विंग कमांडर। ओ मेरा, ये हमारे वारिस भाई, ये हमारे वारिस भाई, ये हमारे वारिस भाई, इसका विंग, ये मिला है हमें जिम का एक बैच, बोलिए सब कुछ करके ये सबको मिला है, बोलिए सब कोर्स 18-15 दिन करके सिर्फ ये मिला हमें, नहीं सर्टिफिकेट भी मिली है। और आपको दिखाया मैंने ताहिर भाई और यासीन भाई सबके नाम, यार आशीष भाई क्या बात कर रहे हो यार, आशीष भाई आपका नाम भूल गया भाई। और मैं वो नहीं, मुबारक मुबारक भाई, ये हमारे वारिस है, वारिस भाई हमारे वारिस हो आप, यही हमारे वारिस है, वारिस यही मेरा वारिस है, वारिस है हमारे ये। और ये हमारे उस्ताद जी नेल्स काटते हुए, सर एक शॉट ऐसे लूंगा। तो अभी मिल रही हैं सर्टिफिकेट्स, ये हमारी मेन सर्टिफिकेट है और अभी सबको मिल रही है, और वो उस्ताद है हमारे दूसरे, ये दे रहे हैं अभी सर्टिफिकेट्स। आशिक भैया से भी मिल लेते हैं यार। ओके आशिक भैया, मुबारक का नंबर है मेरे पास। बाय सर, बाय बाय बाय। चलो चलते हैं यार यहाँ से।
याद आएगी इस इंस्टीट्यूट की हमें, और उम्मीद करते हैं हाँ यार आएगी थोड़ी सी तो आएगी। सो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग और अब जाना है हमने श्रीनगर और पीछे वाले तीन हैं हमारे, तीन बंदे पीछे हैं और आगे चले गए, आधे जा रहे हैं सिंथन से घर और आधे जा रहे हैं श्रीनगर। हम क्या करेंगे ठीक है, थोड़ी देर में बता देता हूँ क्या करने वाले। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सारे अनंतनाग और आप जा रहे हैं कुछ लोग श्रीनगर और कुछ लोग जा रहे हैं किश्तवाड़ वापस और हम हैं जाने वाले श्रीनगर। एक दो और तीन, बस हम ही तीन जा रहे हैं, पांच लोग जा रहे हैं किश्तवाड़। एक दो तीन चार पांच दल्ले किश्तवाड़ दल्ले। ओके ब्रो बाय 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 वारिस मेरे कोई ओके बाय ओके बाय मुबारक भाई ओके भाई मिलते हैं ओके यासिन ब्रो आ रहे हैं हमारे। सो बैठ चुके हैं अब गाड़ी में, टवेरा है ना, तो अब निकलते हैं, देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे हम यहाँ से और फिर एक चीज बताऊंगा मैं आपको, हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर से मिलने, तो आज मिलेंगे उनसे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है उनके साथ बनने लगा। तो गाइस दो चार गाड़ियां चेंज, दो तीन गाड़ियां चेंज करने के बाद पहुंच गए हैं अभी फिलहाल डल गेट के पास। अभी फर्स्ट टाइम मैं डल गेट देखने वाला हूँ और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा है, सुना तो बहुत कुछ है, देखेंगे अब कैसा है। तो अभी मैं, भानु भैया, ताहिर भाई और कीर्ति, हम चार लोग जा रहे हैं डल गेट की तरफ। चलो देखते हैं आगे क्या सीन रहता है, कैसा है डल गेट देखते हैं अब। बस यही है, देख लिया ना, यही है कश्मीर की खूबसूरती। ये तो टट्टी है भाई, हमें प्रॉब्लम होटल ढूंढने में, जब भी कहीं जाता था इंसान होटल ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें चाहे सस्ता था एक दिन के लिए होटल, वो भी रात को सोने के लिए, जहाँ अच्छे से सो सके और सुबह फ्रेश हो सके। और यहाँ पर लोग दिखाते हैं हज़ार दो हज़ार, हज़ार तो चलो ठीक है, 2,000, 2,500, 3,000 उतने में कौन रुकेगा एक दिन के लिए, और उस 2,000 का कुछ और हो जाएगा, समझ रहे हो ना कुछ और मतलब कुछ भी, कुछ और खाने पीने की चीज़ हो जाएगी। और चलो ठीक है यार, देखते हैं अब हमें होटल मिलता है नहीं मिलता है। अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में, होटल ले लिया हमने 1500 का मिला हमें होटल और बैठ गए हैं फर्स्ट क्लास तरीके से, बार्गेनिंग चली थोड़ी सी, आवाज़ थोड़ी कम करो देने। तो अभी हमने थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद निकलेंगे हम यहाँ से, आधे घंटे बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और सबसे पहले मैं कराऊंगा फ़ोन का कवर चेंज और अपने फ़ोन में जो स्क्रैच लग गया है कैमरा पे वो ठीक कराऊंगा। इतना दुख हुआ था ना उस दिन, मैं व्लॉग बना रहा था और अचानक से कैमरे का देखा स्क्रैच लग गया है, फिर व्लॉग बनाना ही छोड़ दिया, मन ख़राब हो गया इतना। फिर उसके बाद और कराना है टेम्पर चेंज, तो पहले तो यही काम करूंगा फिलहाल मैं, और उसके बाद जाएंगे अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने, जल्दी मिलेंगे और आपको मिलाएंगे शायद, अगर उनकी परमिशन हुई तो मिला लेंगे आपको भी। चलो फिर मिलते थोड़ी देर बाद, खाना भी खाना है अभी। चलो ठीक है, देखो इसने इधर पर ये तेल गिरा कर ऐसे पता नहीं क्या किया, तेल तो गिर ही गया अभी लाया था, और ये दीवार को थोड़ा पेंट कर दिया, अच्छी नहीं लग रही थी ना, ऐसे नक्काशी की अपनी, कैलीग्राफी बोलते हैं अपनी, कैलीग्राफी लिखा तो है नहीं कुछ, पर चलो जो भी है। ये दरअसल मैंने पता कैसे लिखा है, जब तू उधर पे चढ़ेगा ना तब दिखेगा, ये तब पढ़ने आएगा, ऐसे पढ़ने नहीं आएगा। चलो होटल वाले अगर देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हो तो ले लेना, तो मैं निकल जाऊंगा। पहुंच चुके हैं डल लेक के पास, अब असली नजारा दिखाऊंगा, जो पीछे दिखाया था वो तो मजाक था, तो उसके साइड वाला एरिया है, अब मैं दिखाऊंगा असली खड्डे क्यों बना दिए रास्ते में, अब मैं दिखाऊंगा असली आपको डल लेक। अभी हम पहुंच चुके हैं नत्थू अंकल के होटल पे,
तो बस अब देखते हैं क्या यहाँ का सिस्टम रहता है, खाएंगे कुछ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिर देखते हैं, फिर हम अपने सब्सक्राइबर से मिलने जाना है अभी थोड़ी देर बाद, उनसे भी मिल लेंगे। बहुत बोल रहे थे यार मिल लो प्लीज, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मिल लेते, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था वैसे। बनवे बोले चलते घूम भी लेंगे तो मिल भी लेना, मैंने ठीक है ठीक है। आप क्या लगा? चलो अब देखते हैं यहाँ का खाना कैसे रहता है। तो हमने मंगाई है पाव भाजी और थोड़ा सा क्या पिज्जा मंगाया है, और कीर्ति ला रहा है। दो आ गई, कीर्ति वहाँ है, वहाँ पर वो सफेद वो जो अंदर घुस रहा है वो है कीर्ति। तो हाँ नॉर्मल तरीके से खाते हैं, तूने कर दी गेम तो बना ऐसे ही डालूगा, इसको कैसे खाते हैं। ठीक है कीर्ति को देखते, कीर्ति को देखते क्या करता है। कुछ नहीं खाओ खाओ यार, क्या तुझे क्या पता क्या ताली यार ताली इसी बात है ताली मारो यार तू खा के दिखा। नहीं मैं तो खाऊंगा, पहले तू खा, चल अब तू खा के दिखा। किसी मैं मार्क्स में किसी को पूछूंगा कि ऐसे ही खाते हैं पाव भाजी। मैंने बटर मिक्स कर दिया बंद उठाया, बटर तो मिक्स कर लेता सब पता है भाई, ठग रही मैं तो बनती रहती है क्या करें। आपका पाव भाजी मन खराब हो गया पाव भाजी खा के, न्यूट्रीलाइट बटर यूज किया है, चार्जेस ले रहे हैं पता नहीं किस चीज़ के चार्जेस ले रहे हैं, इतना बेकार। अब पिज्जा ट्राई करेंगे देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं, मन खराब हो गया। ट्राई करने को बोला है, प्यार से होता है ट्राई करना, ले खा देखते हैं अब कैसा रहता है ये। चलो देखते, मजा आया? बिल्कुल नहीं कीर्ति, मजा आया गाइस? इधर तो बिल्कुल भी नहीं आया। जोड़ी 750 रुपये खर्च हो गए इन चार चीज़ों के पीछे। अभी हम हैं घाट नंबर 10 डल झील के पास, और हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे यही मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे पहले। बहुत फैन फॉलोइंग है थोड़ी सी है कमेंट मीडिया तो चलो अभी आते हैं वो, तो फिर हम मिलते हैं। अगर मिलाना बना तो मिला देंगे आपसे, नहीं बना तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मैं कब सुनाऊंगा ना अभी क्या हुआ। तो हुआ कुछ ऐसे, दिन को कीर्ति ने बोला मछली काट लेगी और उसका सिर्फ स्केलेटन निकलेगा, ठीक है। तो हमने बोला इधर नहीं है एक ही एलिगेटर फिश निकली है यहाँ पर, तो उसी से खतरा है बाकी किसी से नहीं। तो अभी अभी बोलता है, करता है पता नहीं कोई मदर चौथ बोल रहा था इधर पर एक मछली है वो काट ले भाई खुद को गाली क्यों काट रहा है तू? मैंने खुद को काटी नहीं, तूने आरिश को बोला था, आरिश ने नहीं बोला था, मेरे को बताया था, लेकिन दिन को तूने हमको बताया था ना दिन को इसने ये बात बोली, अभी खुद ही को गाली काट रहा है यार। बता टोन अप होता है भाई होता है, कोई बात नहीं। भैया दिखाओ चश्मे किस तरह से, ये वाला दिखाओ, ये वाला कितने में खुद बता रहे हो फिट है तेरे को बिल्कुल। हाँ स्मैक स्मैक ऐसा लगा भाई, जच रहा भाई, तारीफ करूंगा तो बोलोगे बेचने के लिए बोल रहा है लगाई तो है मुझे उसको भी तारीफ करना पड़ता है जो मतलब कि वो जचता भी नहीं। हाँ अब कीर्ति के लिए तो बहुत टाइम हो गया, करीब आधा घंटा हो गया और हमारे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे तब से, और तब से फिर मैंने एक ये गॉगल्स ले ली, गिफ्ट दी थी, चलो गिफ्ट दे दी मुझे सब्सक्राइबर ने, अभी आई नहीं लेकिन चलो नहीं नहीं ये मैंने ले ली, खुद ले ली, बस ज़्यादा नहीं 2000 की थी यहाँ पर मिल रही थी रास्तों में, मैंने ले ली। गिफ्ट भी दो तीन ले रहा था लेकिन ली नहीं, इसमें सस्ती चीज़ें नहीं लेता, सस्ती चीज़ें नहीं लेता। चलो अब तंग आ गया हम इन लोगों को देख देख के यहाँ पर। A few moments later, to कैफे में आ गए और हमारे साथ आ गए वो लोग जो हमारे साथ आ रहे थे, तो वो दिखा नहीं सकते वो हम दिखा नहीं सकते अभी, तो एक में कीर्ति ये भी हमारे साथ, लेकिन हमारे सामने वो लोग बैठे हैं जो कि हम दिखा नहीं सकते। हाई कर सकते हो ऐसे कैमरे के आगे? नहीं, आवाज आ गई।
गाइस सब्सक्राइबर से मिल लिया हमने और 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 अभी हम बहुत दरबदर हैं। बानु भैया सिर्फ लड़कियां देख रहा है, सिर्फ लड़कियां। कीर्ति सिर्फ लड़कियां देख रहा है, सिर्फ लड़कियां। और अंशुमन अभी तक उनके साथ ही था। अंशुमन मर्द देखता है। तो अभी अभी अंशुमन मर्दों की पसंद है। अभी हम चलेंगे कहीं नहीं, बस अभी हम यहीं पे बैठेंगे कहीं किनारे पे। व्यू इतना जबरदस्त है, कोई अलग ही अलग अल्टीमेट व्यू चल रहा है। देख दिखाता हूँ मैं आपको। ओ, अब हम आगे जाएंगे, लेकिन अब हम पीछे नहीं आएंगे, अब हम शुरू करेंगे। गाइस अभी आ चुके हैं हम ई रिक्शा में और यहाँ से हम जा रहे हैं लाल चौक। लाल चौक हमने देखा नहीं आज तक, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और क्या भाई, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज। तो अब जा रहे हैं लाल चौक और ये रहे ये दो लोग हमारे मेरे साथ। पीछे लाल चौक लगा था कि कुछ होगा खतरनाक सा, क्योंकि मैंने जो पिक में देखा था वहाँ तिरंगे की वो तिरंगे की थीम थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। शायद जब इसमें ना तिरंगे की थीम बनी थी, मैंने जो फोटो देखा था रात को, दो रात को दिखा मगर अभी रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो अगली बार आए तो तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। स्मार्ट सिटी बनने वाली है तो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर पीछे अभी, तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो नॉर्मल है सब, कुछ मजा नहीं आया देख के। मैंने पहले ही बोला था तुमको, मानते नहीं हो। कश्मीर में बहुत दर्द छुपा है भाई, बात तो बहुत दर्द है इस कश्मीर में। और हाँ, पीछे हमने कुछ ऐसे ना टूटे फूटे घर देखे, शायद वो कश्मीरी पंडित के होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, बस मैं अपना मुझे लगा ऐसा कि होंगे शायद, होंगे या होंगे ही। और पता नहीं, अब कंफर्म तो नहीं है उनके हैं या नहीं, लेकिन है उनके घर भी हैं बड़े, अब जो देखे वो उनके हैं है या नहीं वो पता नहीं। तो मैंने फ़ोन ठीक कराना था पहले यार, कहाँ मिलेगा वो। चलो मिलते हैं आगे। क्या वजह करो? सो गाइस अभी हम फिर से वहीं पर आ गए हैं जहाँ पे यानी कि डल लेक। हम गए थे सिटी मतलब वहाँ मजबूर करते हैं बदमाशी करने पे। देखा बदमाश, देखा सुना, ये मुझे मजबूर करते बदमाशी करने पे। अब मैं आप लोगों को एक गोल्डन लेक सुनहरी झील दिखाने वाला हूँ। ये गोल्डन लेक यहाँ का, और इसी को शाम को सुबह बोलते हैं डल लेक, रात को बोलते हैं गोल्डन लेक, और लोग इसी चीज में सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बस यही है जो है यही है। तो अभी हमने शायद डिनर करना है। एक चीज नोटिस की तूने? स्मैक्स लग रही थी। लोकलों में इन्हें क्या बोला, मतलब जो इंडिया के टूरिस्ट है कि बोट राइड है 2500, और वो जो फॉरेनर्स है उसको उसने बोला 650। हाँ, वो क्या, उसने 300 रुपए में उसको बार्गेन कर लिया। वो मतलब वो क्या सीन था सच्ची? वो उसने बोला कि तू बुद्धू है कि इंडिया वालों के पास बहुत हराम का पैसा है। हाँ, मतलब इंडियंस को महंगा दे रहे हैं, वो बाहर के आ रहे हैं उनको 350-600 रुपए में मतलब राइड दे रहे हैं इसकी। So guys, अभी है रात के 9 बज रहे शायद, और अभी हम डबल डेकर बस पे आ चुके हैं और यहाँ पर गाने चल रहे हैं अल्टीमेट, और हम नाच रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करो। अब हमने एक कम से कम 50 मिनट हम चक्कर है। ओ, गाना बज गया, कॉपीराइट आएगा, हम डांस करेंगे भाई। कीर्ति इधर आना पड़ेगा तुझे, जरा ये दिखाऊंगा ना। सो गाइस, उस बस पे चढ़ने के बाद थोड़ा सा हादसा हो गया हमारे साथ। तो इधर देख, तार का निशान तेरे को भी है। हाँ, ये देखो एक ये निशान, पीछे रख थोड़ा, ये निशान देख रहे हो तुम लोग लाल, इधर भी ये कट, इधर भी बच गई। हाँ, इधर भी बच गई लाल। हाँ यार, मैंने फोन कर दिया। सुन सुन सुन, इधर करा
तो हम थे एक बस के ऊपर, तो नाचना मैं थक गया था, तो मैं ऐसे ऐसे था, तो तभी अचानक से पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ यहाँ पर बाजू पर, जोर से पटाखा बजा यहाँ फिर इधर, फिर इसको भी लग गई और एक अंकल थे उनको भी लग गई, फिर देखो ये निशान पड़ गया इधर, अभी तो एक कम हो गया, उस टाइम बहुत ज़्यादा था ये, अभी बहुत कम हो गया ये, और मुंह पे भी बची थी यहाँ पर, बच गए। फिर चुपचाप करके ऐसे बैठ के झुक के फिर पूरी राइड वैसे ड्राइव पूरी हमारी वैसे हुई। देखो इसको भी बज गए वहाँ पर, दिखेगा नहीं, पता नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो छोड़ना ऐसे ऐसे यहाँ पर बची है इधर पर, तो बच गए हम फिलहाल। तो यही था कुछ आज का दिन ऐसा रहा, और चलो फिर यहीं पे ब्लॉग एंड करते, थक गए काफ़ी ज़्यादा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी हो कमेंट कर लेना, कोई अच्छे से कमेंट कर लेना। आप किश्तवाड़ जा रहे हैं कल, कल भी हम ब्लॉग बना लेंगे एक, तो फिर डालेंगे, और अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ इतने दौरान, और कश्मीर पे एक रिव्यू देने वाला हूँ ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है? तो ब्लॉग मिस नहीं करना, और पिछले जितने ब्लॉग है वो भी देख लो, ठीक है? बाय, टेक केयर, जय श्री राम। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो, या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।